बढ़िया नमकीन बनने वाली है, इसके लिए आवाज सुनिए। सिर्फ एक चम्मच तेल से ये बहुत ही कुरकुरी पोहे की नमकीन बनकर तैयार होगी। 10 मिनट लगेगा, 1 महीने तक स्टोरेज है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी को नमस्ते, वेलकम टू गुड रेसिपीज बाय शिवानी। नमकीन बनाने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पर पैन को गर्म कर लिया है। इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। आपके पास जो सबसे चौड़े सरफेस वाला पैन हो उसका यूज पोहे की नमकीन बनाने के लिए करें। आधा कप कच्ची मूंगफली के दानों को 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। मैंने कच्ची मूंगफली के दाने लिए हैं। अगर आपके पास रोस्टेड मूंगफली के दाने हैं तो उसका यूज भी इस रेसिपी के लिए कर सकते हैं। गैस का फ्लेम लो से मीडियम के बीच में ही रखें। अब दाने चटकने लगे हैं और अच्छी तरह से लाल हो गए हैं। 2-3 बार टॉस भी कर लेंगे जिससे हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। फ्राई होने के बाद दानों को बाहर निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। ये देखिए सभी दाने फ्राई हो गए हैं अच्छी तरह से। अब गैस का फ्लेम अभी भी मीडियम है। इसी पैन में 1 मुट्ठी साबुत बादाम और 1 मुट्ठी काजू जो कि मैंने बीच से काट लिए थे उन्हें डालकर फिर से हम 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे। काजू और बादाम टेक्सचर में सॉफ्ट होते हैं तो इस तरह से इन्हें फ्राई करने से ये क्रिस्पी हो जाएंगे, मतलब इनमें कुरकुरापन अच्छा आ जाएगा जो कि नमकीन के लिए हमें चाहिए। अब 2-3 मिनट हो गए हैं और ये भी अच्छी तरह से गर्म हो चुके हैं तो काजू बादाम को भी हम बाहर निकाल लेंगे। पैन जितने चौड़े बॉटम का होगा नमकीन उतनी ही जल्दी और उतनी ही अच्छी बनेगी। अब इस गर्म पैन में मैंने 20 के करीब करी पत्ते डाले हैं। ये फ्रेश करी पत्ता है तो एक बार इसे गर्म सरफेस पे ही हम चला लेंगे जिससे कि इसका जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा जल जाए। अब आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाला है। पैन का फ्लेम लो से मीडियम के बीच में रखना है और फटाफट से इसको चला लेंगे जिससे कि हल्दी काली ना पड़ने लगे। और जल्दी से इसमें 3 कप पोहा हम डाल देंगे। करीब 250 ग्राम पोहा है ये। अब गैस का फ्लेम लो से मीडियम के बीच में रखना है और मेन स्टेप है ये, मतलब सबसे थकाने वाला स्टेप है ये। 4-5 मिनट तक हमें लो मीडियम फ्लेम पर लगातार इसे चलाते हुए अच्छी तरह से रोस्ट करना है। अब जो चौड़े बॉटम का पैन हमने लिया था वो इस स्टेप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पैन चौड़ा होने से एक बार में पोहा गर्म सरफेस के कॉन्टेक्ट में ज्यादा से ज्यादा आएगा और उतना ही जल्दी और अच्छी तरह से अंदर तक ये क्रिस्पी हो जाएगा। अब करी पत्ते आपस में चिपक गए हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा सा अलग कर देंगे। चार पांच मिनट हो गए हैं पोहे को लगातार चलाते हुए। अब पोहा क्रिस्पी हो गया है तो हम इसमें मसाले मिला देंगे। स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच के करीब चाट मसाला और आधा चम्मच के करीब देगी मिर्च का यूज मैंने किया है। अगर आपको तीखा पोहा पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हैं। वैसे इस नमकीन में कम से कम मसाले हों तभी इसका फ्लेवर ज्यादा अच्छा आता है। और ये हमारा पोहा अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गया है। अब ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई किए थे और मूंगफली के दाने दोनों चीजों को इस पोहे में मिला देंगे और इसे फिर से मीडियम फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक फिर से गर्म करेंगे अच्छी तरह से। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, स्किप नहीं किया है जिससे कि ये पता चले कि चलाने का प्रोसेस इस नमकीन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और 1 मिनट के बाद नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है। इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लें और 15-20 मिनट में जब ये ठंडी हो जाए तो इसे चाय के साथ सर्व करें। 1 महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो आपने देखा ना, इस नमकीन को बनाने के लिए मैंने सिर्फ 1 चम्मच ऑयल का यूज किया है। नमकीन एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दें और इसे 1 महीने तक आराम से यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और इसका टेक्सचर तो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही कुरकुरी नमकीन बनकर तैयार हुई है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें।